हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और कैसे हो अच्छे लोग? राधे राधे, सब ठीक है? टेस्ट डिस्कशन का मैंने बोला था। ओके, अरे आज ऐसा करता हूँ ना, टेस्ट डिस्कशन कर देता हूँ। आज ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा क्या? आज है ना, मैंने वो क्वेश्चन निकाला भी। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज इसको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या वीडियो क्लियर नहीं है? ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर कर देंगे डिस्कशन। ठीक है, और आज हमारे यहाँ मेला भी लग रही है भाई। आज हमारे यहाँ मेला लगती है दुर्गा पूजा का, है ना। दुर्गा पूजा भी चल रहा है ना भाई, रामनवमी दुर्गा पूजा चल रहा है ना, उसकी मेला लगती है हमारे, है ना। यहाँ बड़ी बड़ी प्रतिमा जो है, प्रतिमा में से स्टेचू बनता है मिट्टी का। पता नहीं जम्मू में बनता है कि नहीं बनता है, नहीं पता, लेकिन हमारे इधर जो है बड़ा बड़ा स्टेचू बनता है जगह जगह पर, है ना। हर जगह आपको मिल जाएगा। बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, इतनी भीड़ की सोच नहीं सकते हो। अभी मैं पटना में हूँ। जय हिंद रोहिन, क्या बात है। हाँ भाई, मेला में तो भीड़ होती ही है ना। मेला मेला होता क्या है, तो मेला भीड़ ही तो होती है मेला में, है ना। उधर मेला लगती है किसी चीज का, किसी चीज की मेला लगती है जम्मू में, जरूर लगती होगी। अरे अभी गया कहाँ हूँ भाई, अभी तो जाना है। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है कोई। अच्छा, बैसाखी का लगता है वहां। ओके, यहाँ भी बैसाखी का लगता है, लेकिन बैसाखी का उतना नहीं लगता जितना दुर्गा पूजा का लगता है। यहाँ भी बैसाखी का लगता है मेला, लेकिन कम लगता है, है ना। तो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कितना टाइम हो गया, और एक मिनट। क्या बात है भाई, बड़ी लेट से ज्वाइन कर रहा है सब लोग। शिवरात्रि का मेला हमारे इधर भी लगता है भाई। चीड़ी, ये चीड़ी क्या होता है भाई, ये चीड़ी क्या होता है, चीड़ी का मेला क्या होता है भाई, चीड़ी। शिवरात्रि का मेला हमारे इधर भी लगता है, बैसाखी का मेला हमारे इधर भी लगता है, पूर्णमासी के दिन होता है। ओके ओके, अच्छा हमारे इधर नहीं होता है चिड़ी। अच्छा, वो जगह का नाम है। ओके ओके, तो शुरू करें, है ना। आज हमें जिंक और कॉपर, ये दोनों का हमें एक्सट्रैक्शन करना है, बस दो। इतना टाइम नहीं लगेगा इस दोनों में, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। नाउ टुडे विल बी,
ठीक है। तो आज हम लोग तो टुडे विल फिनिश दी चैप्टर तो सबसे पहले लिखना कॉपर का एक्सट्रैक्शन, हेडिंग देना एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर कॉपर ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग कॉपर पाइराइट से करते हैं, ठीक है। तो लिखना कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पाइराइट से, ठीक है। कॉपर पाइराइट आप जानते ही हो, कॉपर पाइराइट का मैंने फॉर्मूला लिखाया था CuFe और Fe, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट, ओके। तो अब हम लोग कौन कौन से स्टेप को यहाँ फॉलो करते हैं, तो स्टेप हम लोग देखते हैं, है ना। स्टेप हम लोग फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, है ना। जैसा हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको है ना क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं। तो पहले लिख लेना स्टेप फर्स्ट में क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग ऑफ ओर का क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है स्टेप टू हम लोग क्या करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, है ना। पहले इसको नोट कर लो, हो गया। तो स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ओर का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन में आप जानते ही हो, कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं, तो हम लोग जो है गैंग पार्टिकल्स को यानी इंप्यूरिटी को हटाते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो चूंकि ये देखो आप किस तरह का ओर्स है, आप देखो CuFeH2 ये सल्फाइड ओर्स है ना, ध्यान देना ये सल्फाइड ओर है। और मैंने आपसे कहा था कि सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। तो लिखना के सिंस इट इज सल्फाइड ओर, कॉपर पाइराइट जो है ये सल्फाइड ओर होता है, सो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसको हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है।
हो गया, जो लेट से ज्वाइन किया वो, जो लेट से ज्वाइन किया वो जो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं जस्ट स्टार्ट किया हूं यहीं से, तो जो लेट से ज्वाइन किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकंड हो गया कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किससे करेंगे तो ग्रोथ फिल्ट्रेशन मेथड से करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज सल्फाइड ओर्स, और आप जानते हो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सल्फाइड ओर्स का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ग्रोथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस से करते हैं। अब अगर आपको एक्सट्रैक्शन कॉपर आ जाए, यानी कॉपर का एक्सट्रैक्शन आपको आ जाए, तो आपको क्या करना है, तो ग्रोथ फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में पूरा आपको यहाँ लिखना है, पूरा डिस्क्राइब करना है। मैं नहीं बताने जा रहा हूँ फिर से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको ग्रोथ फिल्ट्रेशन मेथड बता चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको ग्रोथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस पूरा आपको यहाँ जो है डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको ग्रोथ फिल्ट्रेशन फ्लो प्रेशर है ना, इस प्रोसेस को आपको पूरा जो है ये डिस्कस करना है ना। यहाँ क्या करना है, तो पूरा आपको ये है ना, ये पूरा आपको यहाँ डिस्कस कर देना है, ठीक है, डिस्कस कर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ग्रोथ फिल्ट्रेशन लिख के यहाँ लिख के छोड़ देना है। मैं चूंकि आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से आपको है ना नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, तो ग्रोथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस पूरे को जो है आपको डिस्कस करना है, ठीक। इसे मैंने बॉक्स में लिख दिया है ना, डिस्कस करना है, ठीक है। चल अब आगे चलते हम लोग। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कर लिए ओर्स का। अब कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद हमें क्या करना है, तो आप याद करो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ओर को जो है, ओर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, है ना, चाहे जिस भी फॉर्म में हो। तो यहाँ जो है, यहाँ किस फॉर्म में, तो यहाँ सल्फाइड के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करेंगे। मीन्स हमें थर्ड स्टेप को यहाँ फॉलो करना है, ओर इंटू ऑक्साइड, है ना। तो थर्ड स्टेप हो गया, तो स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड लिखना कि कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू ऑक्साइड, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू ऑक्साइड। अब ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस को यहां यूज करेंगे, तो आपको याद होगा कि ओर को जो हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते थे, तो हमें वहां दो स्टेप को जो है फॉलो करते थे, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। आपको याद होगा कैल्सिनेशन में हम लोग कौन सा ओर्स लेते थे, हाइड्रोक्साइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर का को हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते थे कैल्सिनेशन प्रोसेस से, और सल्फाइड ओर को हम लोग चेंज करते थे रोस्टिंग प्रोसेस से। इसलिए यहां हम लोग क्या लिखेंगे कि ओर इज कन्वर्टेड, है ना, लिखना के सिंस सिंस ओर इज सल्फाइड, ओर जो है सल्फाइड है, सो वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज रोस्टिंग प्रोसेस, वी हैव टू यूज रोस्टिंग प्रोसेस, है ना। तो हमें रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। चलो हम लोग देख लेते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग ऐसे मैंने वहां बताया था, चलो मैं फिर से एक बार ये कर दे रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूं फिर से। रोस्टिंग, रोस्टिंग आपको याद होगा, है ना, रोस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, तो ओर्स को हम लोग गर्म करते थे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में क्या होता था, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग में क्या होता है, तो ओर्स को हम लोग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, है ना, कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उससे कम टेम्परेचर पर हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे, ताकि ये जो है लिक्विफाइड नहीं हो। तो लिखना रोस्टिंग में, लिखना कि कॉपर पाइराइट, एक मिनट, लिखना कॉपर पाइराइट, या फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूं, सी यू एफ ई एस टू,
इज हिटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इट्स मीन्स क्या कॉपर है ना, बेलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, जब हम लोग इसको हिट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसमें जो इंप्यूरिटी होता है ना, गैन क्या होता है, तो गैन सच एज फास्फोरस, आर्सेनिक होता है, सल्फर इटीसी आर ऑक्सीडाइज्ड, आर ऑक्सीडाइज्ड टू वोलेटाइल फॉर्म। ये वोलेटाइल फॉर्म में जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। हो गया, चलो तो पहले हम लोग इंप्यूरिटी का ही देख लेते हैं। तो ये जो इंप्यूरिटी है, इसमें जो इंप्यूरिटी होता है फास्फोरस होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है P4 है ना, H2O। रिएक्शन बैलेंस करना कोई जरूरी नहीं होता है यहाँ P4O10 में, ठीक है। उसके बाद सल्फर होता है, ये ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, आर्सेनिक प्लस 3/2 O2 ये कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड As2O3 में, ठीक है। तो ये सारे जो है वोलेटाइल ऑक्साइड होता है ना, ये सारे क्या होता है, तो ऑल दीज आर वोलेटाइल ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑक्साइड है ना, जो रिएक्शन मिक्सर से निकल जाता है। ये सारे क्या है, तो ये सारे जो है आपका इंप्यूरिटी हो गया, इंप्यूरिटीज है ना, ये सारे इंप्यूरिटीज हो गया। मॉइस्चर है तो गर्म करेंगे तो मॉइस्चर भी निकल ही जाएगा है ना, मॉइस्चर जो है इसमें वो भी निकल जाएगा गर्म करने से, मॉइस्चर इज एक्सपेल्ड। अब हमें देखना है कि हम लोग रोस्टिंग जो करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो हमें पता है ना कि जब लोग इसका रोस्टिंग करेंगे तो हमें ऑक्साइड ओर्स मिलेगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं, पहले आप इस रिएक्शन को लिख लो है ना, ये सारे इंप्यूरिटी है फास्फोरस सल्फर आर्सेनिक, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सारे रिएक्ट कर लेगा, जैसे फास्फोरस रिएक्ट करके P4O10 बना देता है, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, आर्सेनिक ऑक्साइड बना देता है As2O3 है ना, ये सारे वोलेटाइल ऑक्साइड है। और अगर मॉइस्चर है तो वो भी जो है यहां से निकल जाएगा, हो गया। चलो अब हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं, तो देखो रोस्टिंग करेंगे CuFeH2 कॉपर पाइराइट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग गर्म करेंगे ये, तो यहां क्या बनता है, तो यहां बनता है क्यूपराइट Cu2O या कॉपर ऑक्साइड प्लस आयरन सल्फाइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये बनता है, ठीक। क्या क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड और
सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद फिर क्या होता है, तो ये सल्फर जो है आयरन सल्फाइड जो है, ये आयरन सल्फाइड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है एफिंग सल्फाइड, है ना, होगा ही क्योंकि ये भी सल्फाइड ओर्स है, ये भी सल्फाइड है, ओर्स नहीं है, ठीक है, जिससे इम्प्यूरिटी है, तो ये आयरन सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में है, तो ये फिर रोस्टिंग से ये भी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, नहीं तो ये भी आपका ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो पहले जो है ये कॉपर पाइरेट, कॉपर ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड और सल्फाइड ऑक्साइड चेंज हुआ, और फिर ये क्योंकि रोस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, तो रोस्टिंग में सल्फाइड चाहे कोई भी सल्फाइड हो, चाहे कॉपर सल्फाइड हो या आयरन सल्फाइड हो, कोई भी सल्फाइड है ना, वो ऑक्साइड में चेंज होगा, इसलिए ये FeS क्या हो गया, तो ये जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके जो है आयरन ऑक्साइड बना दिया और सल्फर डाइऑक्साइड बना। लेकिन ये जो प्रोसेस करते हैं इसमें ऐसा नहीं कि 100% जो है कॉपर पाइरेट आपका जो है यहाँ यूटिलाइज हो गया, 100% कॉपर पाइरेट यूटिलाइज नहीं होता है, कुछ अमाउंट में बच जाता है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जो बचता है उसको हम लोग लेते हैं, यानी CuFeS2+ प्लस हम लोग क्या लेते हैं, तो प्लस हम लोग आयरन ऑक्साइड लेते हैं, आयरन ऑक्साइड लेते हैं यहाँ जो बनता है, और क्यूप्राइट लेते हैं Cu2O, ठीक है, ये लेते हैं, ये Cu2O लेते हैं, आयरन ऑक्साइड लेते हैं, और इसका रिएक्शन इससे जब कराते हैं, ठीक है, कॉपर पाइरेट से, इस दोनों का रिएक्शन जब हम लोग कॉपर पाइरेट से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें Cu2O मिलता है प्लस Cu2S मिलता है और प्लस हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिलता है, एक मिनट सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ आयरन, उसके बाद चूंकि यहां फिर देखो आप, फिर हमें क्या मिल रहा है सल्फाइड ओर्स, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेता है Cu2O प्लस Cu2S, है ना, और फिर इसमें क्या कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में, है ना, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, ये बना देता है। तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, रिएक्शन को आप बैलेंस अगर करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिएक्शन यहाँ बैलेंस करना कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका रोस्टिंग का हो गया, एक मिनट, कॉपर ऑक्साइड नहीं बनेगा, सॉरी यहां कॉपर बनेगा ना, कॉपर है ना, Cu कॉपर, ठीक, कॉपर बनेगा, ठीक है, अगर रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, इधर 6 हो जाएगा, इधर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, 2 कॉपर और 2 × 2 4 कॉपर, 6 कॉपर हो गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, चलो मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ कॉपर मिला, अब ये जो कॉपर मिला, अब ये कॉपर ऐसा नहीं कि 100% आपका जो है ये प्योर कॉपर है, यहाँ भी इम्प्यूरिटी है, अच्छा यहाँ क्या इम्प्यूरिटी है, तो यहाँ जो इम्प्यूरिटी है आपका वो है आपका जो है आयरन ऑक्साइड, यहाँ इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर कॉपर इसको हम लोग कहते हैं, इसमें इम्प्यूरिटी क्या है, तो इसके इसमें इम्प्यूरिटी है आयरन जो है आयरन ऑक्साइड का, ये आयरन ऑक्साइड का इम्प्यूरिटी यहाँ, क्योंकि आप देख रहे हो ना, आप एक पूरे रिएक्शन को आप देखना, चलो आप पहले लिख लो, मैं बता रहा हूं,
हो गया। हाँ भाई हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो भाई। हाँ तो बोलना चाहिए ना भाई कि हो गया, अरे कोई बोलते ही नहीं हो। ठीक है, तो देखो अब इस पूरे रिएक्शंस में देखो बच्चे, इस पूरे रिएक्शंस में आपका क्या बचा रह गया। देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो गैस है, ये गैस है, ये तो इवॉल्व हो गया होगा, है ना। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये इवॉल्व हो गया होगा, ये इवॉल्व हो गया होगा। ये कॉपर ऑक्साइड जो है, ये कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें, कॉपर में। तो आपको इसमें बचा हुआ क्या है, आपका बचा हुआ है देखो आयरन ऑक्साइड। ये आपका किसके साथ है, तो ये कॉपर जो ब्लिस्टर कॉपर जो बना उसके साथ आपका आयरन ऑक्साइड भी है। मींस के आयरन ऑक्साइड जो है, ये जो कॉपर है, ये कॉपर इसके साथ क्या है, तो आयरन ऑक्साइड भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये प्योर कॉपर नहीं है, आयरन ऑक्साइड है, इसलिए इसको हम लोगों ने इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा, मींस इसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो आयरन ऑक्साइड को हटाना है। तो देखो आयरन ऑक्साइड को हटाने के लिए, यानी कि यहां आयरन ऑक्साइड जो है, ये आपका गैंग बचा रह गया। ठीक है, इंप्यूरिटी, ठीक है, ठीक, ये बचा रह गया आपका। और ये कैसा था, तो मेटल का ऑक्साइड है, और आप जानते हो कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है, तो बेसिक नेचर का होता है, नहीं? ठीक है, बेसिक मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो आयरन ऑक्साइड जो है ये बेसिक है, इंप्यूरिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ फ्लक्स को ऐड करेंगे, है ना, याद है ना, इम्प्यूरिटी प्लस फ्लक्स, ये दोनों मिला के क्या बनाता है, तो स्लैग बनाता है ना। अब हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो SiO2 का यूज करेंगे, आपको याद होगा ये आपका फ्लक्स हो गया, और ये किस टाइप का है, तो ये जो है आपका एसिडिक, तो दिस इज द एसिडिक फ्लक्स। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा, FeSiO3, है ना, आयरन सिलिकेट, ये क्या है, तो आयरन, पहले तो मैं ये लिख दूं कि ये स्लैग है, फ्लक्स प्लस इम्प्यूरिटी स्लैग, इसका नाम क्या है, तो आयरन, आयरन सिलिकेट, ये आयरन सिलिकेट है बच्चे। ठीक, इसको लिख लो, हो गया। चलो हो गया, अब हमें क्या करना है, लास्ट में स्टेप फाइव हमें क्या करना है, तो रिफाइनिंग करना है, स्टेप 5 रिफाइनिंग करना है। और रिफाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम लोग करते हैं रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हमने बताया था आपको, एल्युमिनियम में, है ना, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो मैं अब इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, ये है ना स्टेप 4 है। चलो जो भी है, स्टेप अगर 4 है तो 4 लिखना, पहला हो गया 4 ही है, फर्स्ट हो गया हाँ, ठीक है ठीक है, ओके, हाँ स्टेप 4। तो
तो रिफाइनिंग में आपको ज्यादा जरूरी नहीं भी है, आपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लिख दिया तो ये काफी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं। लेकिन वो जो है आपको जो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो मैंने वहां कहा उसको आपको बिल्कुल डिस्कस करना ही है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जिंक में, है ना, जिंक का एक्सट्रैक्शन। तो अब हेडिंग देना एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ZN, बस चार ही एलिमेंट, चार मेटल का हमें एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। हमने आयरन पढ़ लिया, हमने एल्युमिनियम पढ़ लिया, कॉपर पढ़ लिया, और एक लास्ट ये बचा है जिंक, ठीक। तो जिंक का एक्सट्रैक्शन, नहीं रिडक्शन की जरूरत तो पड़ी ही नहीं हमें, ठीक है, रिडक्शन की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं, ठीक है, रिडक्शन तो हुआ ही, है ना, रिडक्शन तो हुआ ही, लेकिन वो ऑटो रिडक्शन हो गया, है ना, रिडक्शन तो होगा, हुआ ही, रिडक्शन तो हुआ ही, ठीक है। हमने जो है, हमने जो यहाँ Cu2O प्लस Cu2S, है ना, याद है ना, Cu2O और Cu2S ये दोनों कंबाइन करके क्या बना दिया, 6 कॉपर और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये बना ना, तो यही तो हो गया रिडक्शन, तो मैंने अलग से नहीं लिखा, इसको हम लोग कहते हैं ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, है ना, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, ठीक। चलो जिंक का एक्सट्रैक्शन, तो जिंक का एक्सट्रैक्शन हम लोग किससे करते हैं, इसमें कौन सा उर्वरक को हम लोग उसका यूज करते हैं, है ना, तो अब लिखना के जिंक इज एक्सट्रैक्टेड, जिंक इज एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक, जिंक ब्लेंडिंग, बी एल ई एन डी, जिंक ब्लेंडिंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जेड एन एस, जिंक ब्लेंडिंग, तो जिंक ब्लेंडिंग से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जिंक को। जिंक का और भी बहुत सारे ओर्स होता है, मैंने आपको लिखाया था, ऐसे जो है एक दो और मैं लिखा देता हूं, जैसे जिंक कार्बोनेट, इसका नेम है कैलामाइन, ये है, ये जिंक का ओर्स होता है कैलामाइंस। एक होता है जिंक ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं जिंसाइट, जिंसाइट आप लिख लो, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है तो लिख लेना आप साइड में, है ना। ये दोनों ओर्स जो है, एक जिंक कैलामाइन और दूसरा जिंसाइट, ये दोनों भी ओर्स हैं, जिंक का ही ओर्स होता है, बट हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो जिंक ब्लेंडिंग से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, ओके। स्टेप सेकेंड स्टेप टू कॉन्सेंट्रेशन करेंगे,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए समझ में आ गया होगा क्योंकि यहां भी हम लोग सल्फाइड ओर्स का यूज करते हैं है ना एक्सट्रक्शन में, ठीक है। तो आपको यहां लिखना है और पूरा लिखना है ना, मींस कि अगर जिंक का एक्सट्रक्शन आपको आगे जाए तो सिर्फ आपको ये मत लिखना है, ये नहीं लिखना है कि ग्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस से करते हैं, आपको ग्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस को पूरे को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। तो मैं यहां एक सेंटेंस लिख देता हूं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखना इट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय ग्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे FFS, है ना। और आपको यहां मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूं, आप लिख लेना, नहीं तो फिर आप जो है गलती करोगे वहां। तो FF और S, इसको पूरे को आपको डिस्कस करना है, ठीक है, जो मैंने बताया आपको यहां भी। हो गया, चलो तो ये दो हो गया स्टेप। ठीक है, नहीं समझा बात, मींस कि अगर आपको जिंक का एक्सट्रैक्शन पूछ देगा कि जिंक को एक्सट्रैक्ट करें तो आपको सारा स्टेप दिखाना पड़ेगा ना, तो ये स्टेप भी आपको जो है ये स्टेप भी आपको दिखाना पड़ेगा डिटेल में ना। तो चूंकि मैं तो आपको पढ़ा चुका हूं ग्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो वो उसको आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा ग्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो प्रोटेशन प्रोसेस है ना, यहाँ पी है ना, ठीक है, प्रोटेशन प्रोसेस एफएफपी, ठीक। चलो आगे बढ़ें, अब स्टेप थ्री में क्या करना है, तो आपको फोर्स को ऑक्साइड में चेंज करना है ना, कन्वर्जन ऑफ और इंटू ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू ऑक्साइड। तो यहां भी आपको क्या यूज करना है, तो आपको रोस्टिंग है ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको रोस्टिंग करना है, सल्फाइड ओर्स है तो आपको रोस्टिंग करना है। रोस्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया, तो रोस्टिंग में रोस्टिंग में आपको क्या करना है, तो अब मैं फिर से लिखने नहीं जा रहा हूं, रोस्टिंग आप जानते हो, डेफिनेशन आपको लिख देना है, यहां आपको ये डेफिनेशन जो है डेफिनेशन आपको लिख देना है, ठीक है, ये चीज ख्याल रखना रोस्टिंग क्या होता है, और उसके बाद आपको रिएक्शंस को दिखाना है, ठीक है, और इंप्यूरिटी जो है, जो इंप्यूरिटी होता है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है वोलेटाइल इंप्यूरिटी, वोलेटाइल इंप्यूरिटी, वोलेटाइल इंप्यूरिटीज एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर आर रिमूव्ड, ये भी रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक। रोस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जिंक सल्फाइड को O2 से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा,
प्लस क्या बनेगा, तो प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये गैस यहां से एक्सपेल हो जाएगा, मिस यहां से इवॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, और जिंक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस ऑक्साइड ओर का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो रिडक्शन करेंगे, तो अब स्टेप फोर, स्टेप फोर स्टेप फोर में रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का प्रोसेस हम लोग किससे करेंगे, तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था रिडक्शन हम लोग कार्बन से करते हैं, एल्यूमिनियम से करते हैं और हाइड्रोजन से करते हैं। ये तीन एलिमेंट्स का हम लोग यूज करते हैं रिडक्शन प्रोसेस में। तो यहाँ जो रिडक्शन हम लोग करते हैं वो कार्बन प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है के रिडक्शन इज डन With coke, coke यानी कार्बन, ठीक है। At very high temperature, यहां बहुत high temperature का हम लोग को use करना पड़ता है, ठीक है, तभी रिडक्शन हो पाता है। कितना हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं, तो हम लोग लगभग 1673 केल्विन का यूज करते हैं। तो ये टेम्परेचर को मेंशन करना, ये टेम्परेचर को मेंशन करना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंशन करना जरूरी नहीं है। बट आपको यहाँ जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, आपको यहाँ ये हीट का साइन जरूर देना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं हो पाता है। तो ये जिंक में और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जिंक चूंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और जो भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मैंने आपको बताया था कि हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को हम लोग कैसे रिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिफाइनिंग करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को हमने किया, कॉपर को किया, है ना, जिंक, है ना, तो ये सारे को हम लोग रिफाइनिंग करते हैं जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस से। 1673 केल्विन। मैंने कहा कि टेम्परेचर को मेंशन करना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है, आप यहाँ हीट का साइन दे दो सर, क्योंकि इतना याद है ना, याद रखना ये है ना, तो याद नहीं रखा जा सकता, इतना जरूरी भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा, ठीक है, अगर याद रहता है आपको तो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है ना, और नहीं रहता है, आप नहीं लिखोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया जिंक और सीओ। अब हमें इसको रिफाइन करना है, तो रिफाइन, तो एक तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एक तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, और दूसरा एक और है डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी हम लोग जिंक को रिफाइन करते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिस्टिलेशन के बारे में बता दूं, ऐसे मैंने डिस्टिलेशन का प्रोसेस बताया था रिफाइनिंग में आपको, बट यहां मैं थोड़ा सा और बता दूं। तो अब हम लोग लास्ट स्टेप देखते हैं, तो स्टेप फाइव में हमें क्या करना है, तो रिफाइनिंग करना है, ठीक है। और रिफाइनिंग जो है हम लोग, एक तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मीन्स कैसे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करते हैं,
और दूसरा हम लोग डिस्टिलेशन से भी करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी करते हैं जी। डिस्टिलेशन से हम लोग कैसे करते हैं, तो डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और डिस्टिलेशन में हम लोग जो है उन एलिमेंट्स का यूज करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो पहले आपको यह भी जान लेना होगा कि इसमें कौन कौन सा जो है इंप्यूरिटी बचा रह जाता है। तो इसमें जो इंप्यूरिटी बचा रह जाता है जिंक में लेड आयरन और कैडमियम है ना, इसमें जो है लेड आयरन एंड लेड का होता है Pb, आयरन का जानते ही हो Fe एंड कैडमियम, कैडमियम Cd, ये जो है ना, ये जो है इंप्यूरिटी होता है, इंप्यूरिटी है ना। ठीक है, इन जिंक तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, किस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो ये चारों एलिमेंट रहता है, जिंक रहता है, कैडमियम रहता है, एचजी रहता है, सॉरी जिंक कैडमियम आयरन और लेड, ये सब चार होता है। ठीक, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1113 केल्विन, 1183 केल्विन होता है, कैडमियम का हो जाता है 1073 केल्विन, 1073 केल्विन, और इस दोनों का जो होता है इसका होता है इतना, और इसका होता है 2364 इतना केल्विन, ये होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं है ना, इसको हम लोग करते हैं हीट है ना 2000 डिग्री से 2000 केल्विन से ऊपर है ना, एबव देखना, एबव 2000 केल्विन, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो यहां से दो एलिमेंट जो है वो क्या होता है, तो जो है वेपर में चेंज हो जाता है, यानी वेपराइज जाता है यहाँ जो है। ठीक है, इसको हम लोग इसे ठीक है, यहां दो एलिमेंट वेपराइज जाता है, कौन वेपराइज होगा देखो, तो ये दोनों कैडमियम और आप देखना कैडमियम, ये और ये दोनों एलिमेंट जो है वेपराइज हो जाएगा, ये वेपर में चेंज हो जाएगा, आप देखना क्यों वेपर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है इसका जो इस दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है जिंक और कैडमियम का वो 2000 केल्विन से कम है ना, 2000 केल्विन से कम टेम्परेचर होने के कारण, ठीक है 2000 केल्विन से कम टेम्परेचर होने के कारण, ठीक है ये दोनों जो है वेपर बन जाएगा और वेपर बन के यहां आ जाएगा, दूसरे कंटेनर में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे कैडमियम प्लस प्लस जिंक है ना, ये दोनों जो है यहां आ गया। ठीक है, और यहां बचा क्या रह गया, तो यहां जो है आयरन और लेड, ये दोनों जो है इधर बचा रह गया। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका बचा रह गया कंटेनर में, ठीक ये दोनों, अब कैडमियम और जिंक ये दो एलिमेंट है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग हीट करते हैं, फिर हम लोग हीट करते हैं कितना पर, तो देखो आप कि एक का टेम्परेचर जो है 10 जो है 1073 केल्विन है और दूसरे का 1183 केल्विन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो ग्रेटर देन 100 केल्विन, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, फिर है ना फिर से हम लोग हीट करते हैं, इसको फिर से हीट करते हैं है ना, यहां इसको हीट किया हमने इतना पर हीट किया। ठीक है,
2000 केल्विन से एवं टेम्परेचर पर हमने हीट किया तो कैडमियम और एजी यहाँ से जो है वेपर बन गया। ये वेपर को हम लोग दूसरे कंटेनर में जो है कलेक्ट कर लिया। अब इस दोनों को हमें ये करना है तो हमें क्या करना है, तो जिंक का कितना है, तो जिंक का है 1183 केल्विन और इसका कैडमियम का जो ये बॉइलिंग पॉइंट में लिख रहा हूँ, नॉट मेल्टिंग पॉइंट, ये मैं बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो है ये क्या है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है सबका, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो जिंक का बॉइलिंग पॉइंट 1183 केल्विन और कैडमियम का 1073 केल्विन ये है। जब हम लोग 1100 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर इसको गर्म करेंगे तो यहाँ क्या होगा, कैडमियम फिर से जो है ना वेपर बनेगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है आप इसको पहले लिख लो फिर मैं बता रहा हूं। हो गया, तो देखो ये वाला मैं हटा दे रहा हूं। अब देखो अब फिर क्या होगा, तो अब यहां जो है ठीक है, फिर यहां क्या होगा, तो ये जो कैडमियम है, ये कैडमियम क्या होगा, ये वेपर में चेंज होगा है ना, यानी कैडमियम, ये कैडमियम जो है ये वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, कैडमियम को हम लोग यहां से अलग कर लेंगे। ये कैडमियम यहां बचा रह क्या जाएगा, यहां बचा रह जाएगा आपका जिंक इज है ना, यहाँ जिंक बचा रह जाएगा, कैडमियम आपका इधर आ जाएगा है ना, है ना, ये कैडमियम आपका इधर आ जाएगा। तो ये होता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये दोनों प्रोसेस से हम लोग रिफाइन करते हैं जिंक को। ओके, तो ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखा था भाई सबका, मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखा था, आयरन का मैंने लिखा था 2364 केल्विन है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट आयरन का। ठीक है, कैडमियम का तो ये मैं लिखा हूं भाई, ये कैडमियम का तो लिखा हूं 1073 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है 1073 केल्विन, ठीक है, कैडमियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कैडमियम का ही होता है, ठीक है, मिस इस चारों मीटर्स में मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेड का था 2083 केल्विन है ना, हो गया। अब हेडिंग देना इलिंगम डायग्राम, इलिंगम डायग्राम क्या होता है, इलिंगम डायग्राम क्या होता है, इसको लोग यूज क्यों करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है एक डायग्राम बता रहा हूं, आप उसको
कॉपी करना मेरे साथ, ठीक है। हेडिंग देना इलिंगम डायग्राम, ठीक है। हो गया, चलो। तो आप जो है एक ग्राफ प्लॉट करना इलिंगम डायग्राम का, इधर डेल्टा जी नॉट लिखना, इधर टेम्परेचर लिखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, y एक्सिस में डेल्टा जी, यानी डेल्टा जी जो है नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर लेफ्ट से टू राइट बढ़ रहा है, ठीक है। और कुछ जो है आपको स्लोप दिखाना है, एम जी प्लस, एक मिनट, पहले मैं स्लोप जो है प्लॉट करता हूं, उसके बाद एक मिनट। आप मत काटना, ठीक है, आपका ठीक है। मुझे यहाँ कम जगह मिल रहा था इसलिए कर दिया, आपको कोई जरूरत नहीं है, है ना, ठीक। ये आप मेरे साथ लिखते जाना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है। ये वाला टू कार्बन प्लस ओ टू सी ओ, ठीक है। यहाँ जो ग्राफ है इसके बीच है, तो ये ग्राफ जो है गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और
है यानी प्लॉट जो है आपका, ये प्लॉट जो है, प्लॉट जो है गिब्स गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन एंड प्लॉट जो है आपका वो किसके बीच है, तो गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन एंड टेम्परेचर के बीच है, ठीक है। हो गया, चलो तो ग्राफ हो गया। तो ग्राफ आज प्लॉट कर लो, मैं इसको कल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हाँ आज थोड़ा सा मुझे जाना है, है ना, मैंने कहा कि मेला देखने जाना है भाई, ठीक है, सबको लेके जाना है, इसीलिए तो नहीं तो आज ही कंप्लीट कर देते। चलो आप ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, है ना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट लगेगा, इसको हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे कैसा ग्राफ क्यों होता है और इलिंगम डायग्राम से। ओके, इलिंगम डायग्राम हम लोग, इलिंगम डायग्राम का हम लोग यूज क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्यों यूज करते हैं। इलिंगम डायग्राम से पहले क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन इधर 1-2 साल से जो है अब क्वेश्चन आना शुरू हो गया है नीट में या जेई में, पहले बिल्कुल नहीं आता था इससे, तो पहली बात तो अब इससे क्वेश्चन भी आने लगा, दूसरी बात इसको समझना जरूरी है, इसको आपने समझ लिया तो बहुत सारा चीज आपने जो है मेटलर्जी का समझ लिया। ओके, हो गया, ओके ओके, ओके ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, चलो ओके बाय।